क्या ख्याल है, कैसा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया सर, मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात होगी कि मैं आपके निगरानी में और ऐसी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अच्छा मैं कौन, मिन हाउ सर? वालेकुम अस्सलाम, नी हाउ, कैसे हो दानिश? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ई सलान भाव मैंने तुमसे पूछा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, तुमने कहा बहुत गर्मी हो गई है, कराची में भी हो गई है और जाहिर है गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तुम चाइनीज के साथ काम कर रहे हो, कितना अर्सा हो गया तुम? सर मैं तकरीबन 3 साल से चाइनीज के साथ काम कर रहा हूँ। राइट, तो क्या तुम्हारे काम की टाइप क्या है, अकाउंट्स या क्या? कल मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। ग्रेट, यानी सेल्स के लोग तुम्हारे अंडर होंगे। प्रोडक्ट्स तुम्हारी किस तरह की हैं, क्या है? सर हम हम हैवी मशीनरी सप्लाई करते हैं सीपैक के प्रोजेक्ट पे ऑल ओवर पाकिस्तान, यानी ना? ग्रेट जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो जस्ट टू अंडरस्टैंड, कभी तुम्हारी चाइनीज से कम्युनिकेशन रहती है? ये सर बिल्कुल डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनी में काम करता हूँ, तो इस हिसाब से डेली बेसिस पे उनके साथ कन्वर्सेशन होती है मेरी। दोनों कोशिश आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, चाइनीज भी बोल रहे हो अंग्रेजी भी, ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह है सर। राइट, सैंपल के तौर पर कोई एक सेंटेंस बताओ ना, किस तरह की चाइनीज तुमसे मिसाल के तौर पर पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं? सर मुझसे बेसिकली जो चाइनीज पूछते हैं वो पूछते हैं डेली बेसिस प्लान, व्हाट अबाउट योर प्लान टुडे, लाइक कैसे कहते हो? नी जिन ध्यान दाज की हुआ जमाया। ओके, वो मुझसे ये okay. वो कहते हैं यस, नी जिन ध्यान दाज की हुआ जमाया। राइट, जमायांग हमने अभी यूज किया ना, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, जमायांग का मतलब तो ये हो गया कैसा है, की हुआ इज लाइक प्लान क्या है। And finally, जिंतियंत तुम्हें पता है आज, अंता जिंतियंता, जिंतियन आज का प्लान क्या है, आज के प्लान के बारे में बताओ। राइट, चले ठीक है, आइडिया हो गया। तो फिर आप उनको जवाब देते होगे कि मैंने यहाँ सेल्स करनी है, यहाँ जाना है, इससे फीडबैक लेना है, इट्स लाइक दैट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो एक तो यार तुम आए हो तो कुछ ऐसे बताओ चाइनीज के हवाले से, 3 साल में अच्छा खासा जो है ऑब्जर्व करने वाला बंदा होता है वो कर लेता है कि किसी की अच्छी आदतें कौन सी हैं जो हमको सीखनी चाहिए, हो सकता है हमें हो, हमको और भी सीखनी हो, तो कोई तुम्हारे जहन में है ऐसी चीजें जो हम पे तुम डिस्कस कर सको? सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैंने 3 साल में क्या सीखा है। मैंने चाइनीज को जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो बहुत हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, हर काम अपना टाइम में, जो टाइम उनको टास्क मिलता है जिस टाइम में, उस टाइम के अंदर अंदर वो टास्क पूरा करते हैं अपना। तो बेसिकली जो चीज मैंने सीखी है वो हार्ड वर्किंग। ग्रेट, पंक्चुअल की तो इत्तेफाक की बात है, अभी हमारे एक और स्टूडेंट सिद्दीक ने उसको बड़ा अच्छा एलोबरेट किया, जाहिर है वो वही वहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करती होगी एज अ फॉर्म, वो लोग करते हैं। और इस पर बाकायदा मेरी एक सीरीज है, वो आप देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे यूट्यूब पे, कि चाइना कामयाब क्यों है, तो उसकी कई रीजंस हैं, उनमें से एक टाइम की भी है, फोकस का भी है एंड पेट्रियाटिज्म भी है। मे बी आपकी नज़र से गुजर नहीं गुजरे तो आप देखिएगा छोटे छोटे एपिसोड्स। अच्छा जी, तो आप जब हार्ड वर्किंग की बात कर रहे हो तो क्या हार्ड वर्किंग का मतलब लोगों के जहन में ये होता है कि बड़े लेट बैठते होंगे, लेट तक बैठते? नहीं सर। अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मतलब निकला, काम कैसे निपटाते हैं फिर उसी टाइम में? हमारे लोग तो लेट बैठ जाते हैं, काम भी नहीं होता, फर्क क्या होता है, कहाँ पे फर्क होता है? सर फर्क ये है कि उनको जो टास्क मिलता है वो उसी, उनकी ये कोशिश होती है कि उस टास्क को उसी टाइम के बीच उन्होंने मैनेज करके उसको कंप्लीट करना होता है। तो दो चीजों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है, एक तो प्लानिंग करने वाला को पता हो कि यार ये काम इतनी देर में हो सकता है, बड़ा डिटेल वर्किंग होती होगी काम असाइन होने से पहले, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फोकस करते रहते हैं वो कि काम टाइम टू टाइम जो है ना वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है,
क्रिटिकल प्लानिंग कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बिल्कुल ये चीज अगर जो चाइनीज के साथ वर्किंग करता है, हमारे पास भी जो लोग कामयाब होते हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ कामयाब तो होती हैं, वो यही कर रही होती हैं कि हार्डवर्किंग होती है मगर टाइम में प्रोजेक्ट्स को अपनाती है। तो बहुत ज़्यादा लेट सेटिंग करते हैं ना मैनेजमेंट की इस्तलाह में, उनको कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो मतलब ये होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। आप टाइम को फ्रेम में मुकम्मल करें और प्रॉपर तरीके से, कभी कभी बैठना पड़ जाए कोई अलग चीज़। यस बिल्कुल, हार्डवर्किंग वाली बात। एज ए नेशन भी हमने जब अपने चाइनीज टीचर से भी पढ़ा और जब भी मेरी इंटरेक्शन हुई, बहुत मेहनती होती है और यानी ये डिफॉल्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें इसको करना चाहिए। और बताओ, आप कोई चीज पूछना चाहते हो, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफी टाइम से मैं क्लासेस भी मिस कर रहा था अपने, आपके साथ मेरा काफी अच्छा वक्त भी गुजरा। तो मैं सर पूछना ये चाह रहा था कि मुझे चैप्टर के बारे में आपसे, अगर आप कुछ मेरे से पूछें ताकि मेरी रिवीजन हो जाए, मुझे पता चले कि मैं कितना मैंने आपसे सीखा है, और आपको भी पता चले कि आपके स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं या आपके आपसे सीख के जो निकल रहे हैं बाहर, तो वो याद भी रख रहे हैं और आगे लर्निंग कैसी जा रही है उनके? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है यार। वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे क्लास में पार्टिसिपेशन और लर्निंग फोकस तुम्हारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और जबकि तुम यूज़ भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें इस बात का इदराक है कि हमें आगे बढ़ना है और आगे आने वाले टाइम में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो तुमने, जब मैंने तुमसे बात की, तुम फौरन तैयार भी हो गए इस चीज़ के लिए। ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही है। मैं भी कर लेता हूँ टेस्ट, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह तुम जॉब दे पाओगे। अगर मैं, हमारा एक चैप्टर था, प्रोबेबली चैप्टर 6 था, उसमें हमने इस तरह की बात की थी कि क्या तुम चाइनीज लैंग्वेज बोल सकते हो? कैन यू रिकॉल हाउ टू से इट और कैन यू मेक दिस? यस नी हुई शुओ हां जी मां से इट अगेन नी हुई शुओ हां जी मां हां जी मां ठीक है। आपने कहना है अगर फर्स्ट करेंगे मैं बोल सकता हूं या हुई शुओ हां जी पीछे आएंगी। फिर किसी ने आगे से पूछ लिया कि क्या तुम्हारी वालिदा बोल सकती हैं चाइनीज? नी मामा हुई शुओ हां जी मां नहीं बोल सकती। कैसे बोले? थापू हुई शुओ। ग्रेट यार, यानी ये तुम्हें याद नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस तुम थोड़े करते रहते हो, तो वो अंग्रेजी सुन के उर्दू सुन के तुम्हारा जुमला तुमने बना लिया। और मैं यही कहता हूँ सिंपल चाइनीज से शुरू करें, उनको डेली बेस पे यूज करें, तो चीज़ें खुद ब खुद ही टाइम पर याद आ जाती। रट्टा तो हमने लगवाया नहीं, ना कभी ज़रूरत है। कंसेप्चुअली आपने रिकॉल किया है। राइट राइट फाइन यार, बहुत अच्छा हो गया। तो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारे साथ किसी और टॉपिक पे, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, और मेरा प्लान एक ये भी है, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं तुम्हारे सामने, अभी तक किसी के सामने मैंने डिस्कस नहीं किया है। आइडिया ये है कि मैं कोई एक बड़ा क्लास भी इस तरह की करूँगा जिसमें बहुत सारे आप जैसे दोस्त होंगे जो मेहनती भी हैं, फोकस भी हैं, और उनको एक साथ ही हम एक क्लास में ले लेंगे। तो एक किस्म से आपस में डिस्कशन हो जाएगी और लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो जाएगी। क्या ख्याल है, कैसा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया सर, मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात होगी कि मैं आपके निगरानी में और ऐसी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकूँ। बिल्कुल अच्छा, मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो, वो मेरी कामयाबी है। इंशाल्लाह आप लोग आगे जाओ, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है चाइनीज बोलने वालों के लिए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, हम सबके लिए, अल्लाह ताला मददगार हो सबके लिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वक्त, और रब्ते में रहना। हाउ टू से बाय इन चाइनीज़? ज़ाइजियां। ओह ज़ाइजियां ज़ाइजियां।